गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वाटरिंग टिप्स के बारे में जो आप अपने इंडोर प्लांट्स में फॉलो कर सकते हैं। इंडोर प्लांट्स को ग्रो करना वैसे तो बहुत ईजी होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्लांट्स नहीं होते ये, लेकिन कुछ बेसिक केयर टिप्स को हमने ध्यान में रखना पड़ता है ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकें, और वाटरिंग उनमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो लाइटिंग और एक वाटरिंग। अगर दोनों में भी एक चीज़ में आप शेड्यूल बनाने में फेल हो जाते हैं तो आपके सारा का सारा जो इफेक्ट है वो प्लांट पे आता है, और आपका जो प्लांट है वो या तो धीरे धीरे अपनी लीव्स को येलो करना शुरू कर देता है, या अपनी ग्रोथ रोक देता है, या इवेंचुअली मर जाता है। तो उन्हीं कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके प्लांट्स में फॉलो करनी चाहिए। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है इंडोर प्लांट्स के लिए कि आपका पॉट का टाइप क्या है। आप जैसे देख सकते हैं, मैंने अपने इंडोर प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी के गमलों में लगाए हुए हैं। 8 इंच के मिट्टी के गमले हैं ये। मिट्टी के गमले मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जो एरेशन होती है मिट्टी के गमलों में वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और वाटर रिटेंशन भी उस वजह से अच्छी हो जाती है, तो ओवर वाटरिंग का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मटके में पानी होता है वो मटके में पानी ठंडा इसलिए रहता है क्योंकि मटके में छोटे छोटे जो मड होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो वो हवा अंदर आती बाहर अंदर अंदर और बाहर आती जाती रहती है, जिसकी वजह से अंदर का जो कंटेंट है वो ठंडा रहता है। वही सेम लॉजिक आपके प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स में भी यूज़ होता है। अगर आप प्लांट्स को मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उससे हवा अंदर बाहर आती जाती रहती है, जिसकी वजह से अंदर जो है ठंडक मेंटेन रहती है, और ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग जैसा जो खतरा है वो नहीं रहता, एक सही अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अंदर बना रहता है। तो यही लॉजिक है। लेकिन आप दूसरे पॉट टाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के पॉट्स या सिरेमिक पॉट्स। आप कोई भी पॉट यूज़ करिए अपने इंडोर प्लांट्स के लिए, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो पॉट है उसमें एक ड्रेनेज होल हो। ड्रेनेज होल को आप किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं, छोटे से पत्थर से कवर कर सकते हैं या थोड़ी सी मल्च से कवर कर सकते हैं। वो इसलिए होता है कि आपके प्लांट में वाटर लॉगिंग ना हो और जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि इंडोर प्लांट्स का मरने का खतरा, सिर्फ कॉमन खतरा यही होता है कि उसका जो रूट रॉट, जो पानी ज़्यादा दे देते हैं कभी कभी लोग अपने इंडोर प्लांट्स में, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग की वजह से आपका जो प्लांट है वो रूट रॉट होने की वजह से मर जाता है। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके प्लांट में एक ड्रेनेज होल ज़रूर हो। दूसरी चीज़ जो होती है कि आप कभी भी अपने प्लांट में इरेगुलर वाटरिंग मत करें, आप एक शेड्यूल बनाएं अपने प्लांट के लिए। जैसे इन प्लांट्स में मैं क्या करता हूँ, इन प्लांट्स को पानी देने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि एक छोटा सा कप रखा हुआ है मैंने अपने इंडोर प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए, और इनमें वैसे मैंने पानी दिया हुआ है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक और बार पानी डाल रहा हूँ और कि क्या तरीका क्या है। आपने साइड से थोड़ा थोड़ा पानी देना है ताकि वो पानी सारा सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं, सारा का सारा पानी जो वो है प्लांट में एब्जॉर्ब हो गया है मिट्टी में। वो इसलिए क्योंकि एक मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है इस प्लांट का। जैसे आज जो दिन था इनका, पानी देने का दिन था मेरा, तो अपने प्लांट्स में मैं हर 3 दिन बाद पानी देता हूँ इंडोर प्लांट्स में, और इनकी जो लोकेशन है उनकी लोकेशन के हिसाब से इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट्स है। जैसे ये प्लांट, स्पाइडर प्लांट डिफरेंट लोकेशन पे है, और जो स्नेक प्लांट है वो डिफरेंट लोकेशन पे है। स्नेक प्लांट थोड़ा अंदर की तरफ है तो इसको वाटरिंग की थोड़ी कम ज़रूरत होती है क्योंकि पानी सूखता नहीं है। स्पाइडर प्लांट का जो पानी है वो थोड़ा जल्दी सूखता है क्योंकि ये विंडो के पास रखा हुआ है, तो थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट पड़ती रहती है इस पर, जिसकी वजह से इसकी जो मिट्टी है वो सूखती रहती है और वाटरिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी जल्दी बनती है। तो इसमें मैं हर 4 दिन में पानी देता हूँ, और इस प्लांट में मैं हर 2 दिन छोड़ के पानी देता हूँ। तो हर प्लांट का अलग शेड्यूल है, दोनों इंडोर प्लांट्स हैं लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। तो वही रिक्वायरमेंट्स आपको अपने अलग अलग प्लांट्स के बारे में समझनी पड़ेगी पहले कि वो अलग अलग चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और प्लांट्स आपको बोल के तो कुछ बता नहीं सकते, तो उनका जो एक मैकेनिज्म होता है आपको कुछ कम्युनिकेट करने का वो होती है उनकी लीव्स। अगर आपके इंडोर प्लांट्स की लीव्स में कुछ भी चेंज आ रहा है, या ब्राउन हो रही है या येलो हो रही है, उसका मतलब आप कुछ अपने प्लांट्स के साथ गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ वाटरिंग नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंडोर प्लांट्स स्ट्रेस में आते हैं, तो आपने खास ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, कभी भी आपने अपने इंडोर प्लांट्स में पानी ऊपर से स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती तो जो एक्सेस पानी होता है वो ट्रैप होने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं और आपका प्लांट मर सकता है, और उसमें बहुत सारे पेस्ट्स भी लग सकते हैं। आपको जैसे मैं बताता हूँ, ये जैसे आप स्पाइडर प्लांट की लीव्स देखें, इसकी फॉर्मेशन देखें, डेवलपमेंट देखें, इसमें अगर मैं पानी ऊपर से स्प्रे करूँ तो इन लीव्स के बीच में जो पानी है वो ट्रैप हो जाएगा,
और जब तक वो सूखेगा नहीं, वो एक्सेस मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शंस प्रमोट होंगे और ये प्लांट मेरा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी अपने प्लांट्स में ऊपर से स्प्रे नहीं करता, मैं हमेशा साइडों से पानी देता हूँ, या तो ऐसे और इधर से। और अगर लीव्स आपकी बाई चांस बहुत ज़्यादा गीली हो भी गई हैं या आपने पानी स्प्रे कर दिया है, तो आप अपने इंडोर प्लांट को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए, जब तक उसका पानी एक्सेस सूख ना जाए तब तक उसको अंदर मत लेके आइए, और यही फिर शेड्यूल जो है वो फॉलो करिए। अब ये वाले प्लांट्स जो हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स फिर भी थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कुछ ऑफिस प्लांट्स होते हैं, जैसे सकलेंट्स, कई लोग सकलेंट्स अपने ऑफिसेज में भी रखते हैं और अपने घरों में भी रखते हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ड्राई एनवायरनमेंट पसंद है और एक्सेस पानी तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी, जैसे आप देख सकते हैं इंडोर प्लांट्स हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स वाटरिंग की कुछ ऐसी होगी कि उन्हें हफ्ते में एक दिन पानी दिया जाए। अगर आप देखेंगे सकलेंट्स को रेगुलरली पानी मिलता रहता है, तो उनकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी काली हो जाती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो एक्सेस पानी की वजह से रॉट हो जाती हैं। सकलेंट्स की लीफ को अगर आप आधा तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर भी थोड़ा सा जेली जेली सा लगेगा, वो एक्सेस पानी होता है जो वो लीव्स अपने लिए बचा के रखती हैं। और इसी तरीके से जो सकलेंट्स हैं वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि जो एक्सेस वाटर है वो सर्वाइवल के लिए अपनी लीव्स में स्टोर कर लेते हैं, और जब ज़रूरत होती है तब वो पानी अपनी लीव से निकाल लेते हैं, इसलिए उनको एक्सेस पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने इंडोर प्लांट्स अलग अलग तरीके के अलग अलग कमरों में रखे हुए हैं तो उनकी सेम रिक्वायरमेंट्स होगी, ऐसा नहीं है। जो प्लांट्स आपने लिविंग रूम में रखे हुए हैं उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो आपने बेडरूम में रखे हुए हैं उनकी अलग, किचन वालों की अलग और बाथरूम वालों की अलग। अब कई प्लांट्स लोगों के ऐसे कमरों में रखे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, वो टेम्परेचर इसलिए कम रहता है क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली एयर कंडीशनर्स चलते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे पानी में, वहाँ पे जो रूम है उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर भी कम है, तो आप नेचुरली वहाँ पे अपने जो प्लांट है उसकी वाटरिंग फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने इस प्लांट को एक विंडो के पास रखा हुआ है, तो वहाँ पे गर्माइश ज़्यादा होती है, तो इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और विंडो के पास रखने वाले जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनकी, जैसे मैंने बताया, मिट्टी जल्दी सूख जाती है धूप पड़ने की वजह से। और कई जगहें आपके घर में ऐसी होती हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो आप कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप उस कमरे में ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं जिससे एक्सेस ह्यूमिडिटी हो जाए आपके रूम में, और जो प्लांट्स हैं जिनको ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है वो वहाँ पे अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि पीस लिली है, पीस लिली को ह्यूमिडिटी अच्छी चाहिए होती है, तो जिस कमरे में आपने पीस लिली रखा हुआ है वहाँ पे आप ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं, जिसकी वजह से, एक्सेस ह्यूमिडिटी की वजह से, जो आपका प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप ऐसे प्लांट्स रख सकते हैं जो ड्राई रहना चाहते हो, जिनको ड्राइनेस अच्छी लगती है, जैसे कि सकलेंट्स और कैक्टस जैसे कुछ पौधे होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। बाकी प्लांट्स भी होते हैं फ्रेंड्स जो आप इंडोर रख सकते हैं, ये दो सिर्फ मैं वीडियो के लिए आपके पास लेके आया हूँ, मेरे पास बाकी और भी प्लांट्स हैं, जैसे सिंगोनियम है, एरिका पाम है, और ऑर्किड भी रखा हुआ है मैंने अपने बाथरूम में, एक ऑर्किड रखा हुआ है, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें आप मेरा मोटिव समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके बाद ही उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना है। और अगर कोई भी आपके प्लांट में किसी तरीके की भी प्रॉब्लम चल रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने काफ़ी व्यूअर्स को अपने बोलते हुए सुना है, कमेंट्स करते हुए सुना, देखा है कि उनके जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उनकी लीव्स येलो हो रही हैं या वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी कैसी केयर करी जाए, तो वो भी आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। तब तक के लिए, बाकी अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।